व्हाट्सअप गाइस, दिस इज शमशेर अली और आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज के छठे वीडियो में 2014 के सॉल्यूशन के बारे में। ये वीडियो बिहार बोर्ड 12th क्लास केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन है जो 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले हमने 2009, 2010, 2011, 2012 और 2013 का फुल्ली सॉल्यूशन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनका हमने वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जो क्वेश्चन थे 2014 में जो पूछे गए थे ये सब के सब नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, ऑप्शन नहीं था और आपको डायरेक्ट जवाब देना था। उस टाइम जितने स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठे थे सबका माथा बिल्कुल चकरा गया था कि भाई कैसा क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि 40 क्वेश्चन उसमें मौजूद थे और लगभग 35 क्वेश्चन या 34 क्वेश्चन लगभग बनाने थे। तो 34 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा था उस टाइम जितने भी स्टूडेंट थे। लेकिन आज देखेंगे हम लोग कि क्या वाकई मुश्किल था या नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम पहले क्वेश्चन को लिखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक और बात बता दें कि इस चैनल पे इस क्वेश्चन बैंक सीरीज के साथ साथ नेम रिएक्शन सीरीज भी चल रहा है और उसको हमने लगभग नेम रिएक्शन के 28 या 29 वीडियो हमने बना रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के वहां से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि नेम रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात क्लियर हो गई। और जैसे खनिज और अयस्क में अंतर, निस्तापन, भर्जन, उसके बाद गालक और यानी कि जिसको क्या बोलते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, गालक और उसके बाद आता है धातुमल यानी कि स्लैग और फिर फ्लक्स के बारे में हमने वीडियो बना रखा है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, सॉलिड स्टेट का पूरा चैप्टर हमने बना रखा है, पूरा चैप्टर मौजूद है हमारे चैनल पे, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन बैंक, यहां से आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, हमारे पास क्वेश्चन बैंक है और यहां से ये जितने क्वेश्चन मौजूद हैं इन सबको हम डील करेंगे। इस वीडियो में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन तो डील करेंगे ही करेंगे, शॉर्ट मतलब कि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन थे वो लगभग 10 क्वेश्चन हैं और उसके बाद लगभग और भी 10 क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उनको हम डील करा देंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कॉपर के प्रमुख अयस्कों का नाम बताइए। अब देखिए ये आपका सवाल है। अब देखिए कॉपर के प्रमुख अयस्कों का आपको नाम बताना है, इसमें ऑप्शन नहीं थे, आपको डायरेक्ट जवाब देने। जरा सोचिए, जिस बच्चे को जिस स्टूडेंट को याद नहीं होगा तो भाई तो एकदम चकरा जाएगा क्या जवाब दे, लेकिन ऑप्शन होता है तो ए बी सी डी ऐसे दांत से ऐसे उंगली काट के भी स्टूडेंट क्या करते हैं ए बी सी डी में से कोई ना कोई टिक लगा देते हैं, है ना, चार उंगली दबाते हैं, तीसरा कट गया तो सी ऑप्शन सही है, ऐसे भी करते हैं। लेकिन चलिए हम बात करेंगे इसकी, कॉपर के प्रमुख अयस्कों की। तो देखिए कॉपर के प्रमुख अयस्क, सबसे पहला अयस्क चालकोपाइराइट या इसी को कॉपर पाइराइट कहते हैं, कॉपर पाइराइट कहते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला CuFeS2 होता है। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा होता है कॉपर ग्लांस और कॉपर ग्लांस का केमिकल फॉर्मूला Cu2S होता है। क्लियर हो गई बात।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो इसके आगे है क्यूब राइट, इसको लिखते हैं क्यूब राइट, आप हिंदी में भी लिख लीजिएगा क्यूब राइट, और इसको Cu2O केमिकल फॉर्मूला के तौर पर लिखते हैं। अगला है मैलेकाइट, मैलेकाइट इसको मैलाकाइट भी कहते हैं, मैलाकाइट। सुनिए मैलाकाइट का केमिकल फॉर्मूला जो होता है ये होता है CuCO3 CuOH ट्वाइस, क्लियर, ये CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस, ये आपका मैलाकाइट का केमिकल फॉर्मूला है। तो ये कॉपर के प्रमुख अयस्क है, इसके बाद एजोराइट भी होता है, तो आप प्रमुख की बात कह रहा है तो प्रमुख में इतना चार लिखेगा तो बहुत है, क्लियर। आप प्रमुख में दो भी लिखते ना, केवल चालकोपाइराइट या कॉपर पाइराइट और कॉपर ग्लांस, तो भी आपका काम चल जाता, क्योंकि एक नंबर के सवाल के लिए ज्यादा आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, जितना सवाल का नंबर होगा आप उतना में ही मतलब एक नंबर का होगा तो उसके हिसाब से ही जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनको हम मिटाते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मिटाते हैं इनको और देखिए, आप इसको लिखिए कॉपी पेन लेकर के और फिर बैठिए और फिर लिखिए, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बार बार पूछा जाता है। कॉपर पाइराइट को तो बार बार पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए दूसरा सवाल है आपका, दूसरा सवाल है पेप्टीकरण पद को परिभाषित करें। पेप्टीकरण क्या है? पेप्टीकरण अंग्रेजी में इसको कहते पेप्टाइजेशन, क्या कहते पेप्टाइजेशन। तो जरा सुनिए, कोई फ्रेश प्रेसिपिटेट, कोई फ्रेश प्रेसिपिटेट, कोई भी फ्रेश प्रेसिपिटेट हो जिसको फ्रेश प्रेसिपिटेट जिसको किसी इलेक्ट्रोलाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट, और वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जिसमें वो क्या कर सके, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रवाहित कर सके, किसी सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट की मदद से, बिल्कुल जनरल लिखेंगे, की मदद से कोलाइडल सॉल्ट, देखिए क्या लिखे, फ्रेश प्रेसिपिटेट जिसको किसी सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट की मदद से कोलाइडल सॉल में चेंज किया जाता है कोमा पेप्टाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पेप्टाइजेशन कहलाता है। बिल्कुल एक नंबर का सवाल है तो भाई एक नंबर के लायक ही तो जवाब देना पड़ेगा ना आपको, तो इसलिए हमने बिल्कुल शॉर्ट लिखा है, कोलाइडल सॉल में चेंज किया जाता है तो उस प्रोसेस को पेप्टाइजेशन कहते हैं, यानी ये पेप्टाइजेशन कहलाता है। क्लियर हो गई बात? सुनिए, सुटेबल जितने इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये हो सकते हैं क्या, कोई भी प्रेसिपिटेट, जैसे मान के चलिए ये प्रेसिपिटेट हो गया, प्रेसिपिटेट हैवी होता है, जितने अवक्षेप होते हैं हैवी होते हैं यानी भारी होते हैं, तो किसी सॉल्यूशन में अगर ये सॉल्यूशन है तो उसमें प्रेसिपिटेट बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसे बैठे रहेंगे, और जो ये प्रेसिपिटेट के पार्टिकल है, बिल्कुल बड़े बड़े पार्टिकल, एकदम डेंसिटी इनकी जो हाई है, इनको ना FeOH थ्राइस इलेक्ट्रोलाइट की मदद से हम क्या करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में तोड़ देंगे, और यही प्रेसिपिटेट का जो छोटा छोटा प्रेसिपिटेट का जो सॉल्यूशन है यही क्या कहलाता है, सॉल या कोलाइडल सॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलाइडल सॉल कहलाता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी विलयन में मौजूद प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप को किसी इलेक्ट्रोलाइट की मदद से कोलाइडल सॉल में चेंज करने का प्रोसेस पेप्टाइजेशन यानी पेप्टीकरण कहलाता है। जो हम अभी बोले हैं ना उसको आप लिखते हैं तो और थोड़ा आसान हो जाएगा आपको समझने में।
वही लिखिएगा अगर लिखना होगा तो, और लिखना तो है ही भाई, लिखिएगा बिल्कुल ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से बन रहा है वीडियो, तो भाई गुजारिश है कि आप लिखें। तो इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है इस प्रोसेस में, जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है उसको पेप्टाइजिंग एजेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेप्टाइजिंग एजेंट कहा जाता है। तो चलिए आप इसको लिखिएगा, क्वेश्चन बैंक में आपका क्वेश्चन बैंक अगर लिखा होगा ना तो ऐसे लिखा होगा पेप्टाइड बनाने का प्रोसेस, पेप्टाइड बनाने का प्रोसेस, प्रोसेस पेप्टाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, पेप्टाइजेशन कहलाता है, ऐसे लिखा होगा तो भी लिख सकते हैं। एक नंबर का है तो भाई जितना आप वेट दीजिएगा सवाल का उतना के लायक ही तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो चलिए आप इसको लिखिए, फिर हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इनको मिटा के मिटाएं, लिख लिए। सवाल है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं, हमने बोल दिया आप लिख लीजिएगा, या आपके पास क्वेश्चन बैंक तो होगा ही होगा। देखिए आंसर क्या कहिएगा, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को, ऐसे लिखेगा, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को, अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। देखिए गैंग को ना हिंदी में अधात्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अधात्री। और इसी को अंग्रेजी में मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। देखिए अशुद्धि का मतलब क्या है, कोई भी इम्प्योर सब्सटेंस जो ओर्स में यानी अयस्क में मौजूद हो, जैसे मिट्टी के कण, बालू के कण, कैल्शियम कार्बोनेट के कण, है ना, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं, या इसी को मैट्रिक्स या हिंदी में अधात्री के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई। तो देखिए केमिस्ट्री की भाषा में अगर कोई भी इम्प्योर सब्सटेंस है तो इसका मतलब क्या, वो गैंग है। आपके घर में भी अगर कूड़ा कचरा निकलता ही होगा, जाहिर सी बात है आम जिंदगी है, रोजमर्रा की जिंदगी में कूड़े कचरे निकलते ही हैं, तो अगर उसमें मिट्टी के कण मौजूद हैं, बालू के कण मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है, वो गैंग है। आप केमिस्ट्री की भाषा में उसको क्या कहेंगे, गैंग ही कहेंगे। तो चलिए आप इनको लिखिए, फिर चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट शायद पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो जरा सुनिए, इस क्वेश्चन को हमने पिछले 2011 वाले वीडियो में हमने बना रखा है, 2009 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, कभी सेप पूछता है, कभी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है, है ना, कभी ऐसे कार्बोनिल एक लिगेंड है तो एक न्यूट्रल लिगेंड है तो पूछता है कि कैसा लिगेंड है भाई, न्यूट्रल है कि एसिडिक है कि बेसिक है, कैसा है, या सॉरी एसिडिक बेसिक नहीं होता लिगेंड, न्यूट्रल है कि वीक लिगेंड है कि स्ट्रांग लिगेंड है, कैसा। तो सवाल कई तरीके से इससे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। इसमें हमारी बात होगी निकेल के ऑक्सीडेशन नंबर की, तो जरा सुनिए, जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो स्पीसीज को देखते हैं उसके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है, जरा देख लेते हैं कि कोई चार्ज है या नहीं है। तो हम देखेंगे कि इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसको ना जीरो के बराबर कर देते हैं। आप 11th क्लास में सीखे भी होंगे, निकेल का पूछा जा रहा है तो आप इसको एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे निकेल, क्लियर, क्योंकि लेट एक्स करिएगा तब तक बना लीजिएगा। निकेल प्लस कितने कार्बोनिल है भाई, चार इंटू CO यानी कार्बोनिल, जो एक न्यूट्रल लिगेंड है। अब देखिए किसी भी न्यूट्रल लिगेंड का ना ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है ये जीरो होता है, कितना होता है, जीरो। तो चार में हम गुणा कर देंगे कितना से, कार्बोनिल ग्रुप जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड भी लोग कहते हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है, हमने जीरो से गुणा किया, बराबर कितने के किया, जीरो के बराबर। तो ये देखिए निकेल प्लस
फोर इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो निकेल इज इक्वल टू कितना, जीरो। यानी कि निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये कितना है भाई, कितना है, जीरो है, कितना है, जीरो है, जिसको हिंदी में ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो NiCO4 में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका नाम भी पूछता है, निकेल टेट्राकार्बोनिल, ठीक नाम होता है, तो आप लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, और फिर ये शायद चार नंबर सवाल था, हाँ चार नंबर सवाल था, पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और फिर हम पांचवें सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। मिटा दें, चलिए मिटाते हैं, देख लीजिए एक बार और फिर मिटाते हैं, आगे बढ़े पांचवें सवाल की तरफ, और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको बातें समझ आ रही है या नहीं आ रही है। आप लोग कमेंट नहीं करते, ये बिल्कुल गलत बात है, चाहे आप सिवान डिस्ट्रिक्ट से हैं या खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से हैं या नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं या नेपाल से हैं या बांग्लादेश से हैं, लगभग 10% फॉरेनर भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, काफ़ी खुशी होती है। अब पांचवा क्वेश्चन है, विद्युत विच्छेदन का उपयोग किस में किया जाता है। देखिए सवाल है आपका पांचवा, विद्युत विच्छेदन का उपयोग क्या पूछ रहा है, उपयोग कहां किया जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का उपयोग, या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन भी आप इसको कह सकते हो, तो इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है, मीनिंग गड़बड़ हो रहा है। मेटलर्जिकल प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, अच्छा दूसरा क्या है, और विद्युत लेपन में, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेटिंग में, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत लेपन में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए एक नंबर का सवाल है तो आप एक भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन दूसरा अगर आपको मालूम रहे तो फिर आप फंसेंगे नहीं, पहला याद ना हो तो दूसरा भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा, मेटलर्जिकल प्रोसेस मतलब धातु कर्मीय उपचार में, और इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेटिंग मतलब विद्युत लेपन में। मिटा दे, CH4 में कार्बन का संकरण, देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कार्बन का संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4 क्या होगा भाई, देखते हैं। देखिए ऑर्गेनिक स्पीसीज है CH4, जिसको मीथेन या मार्स गैस या फायर डैम्प कहते हैं, तो अगर इसके पास चार हाइड्रोजन है, जनरल हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, टेट्राहेड्रल नहीं बना रहे, लेकिन चलिए 12th क्लास है तो भाई टेट्राहेड्रल से भी बनाना उचित होगा, क्योंकि कुछ बच्चे अगर नए हैं, बच्चे नहीं कहेंगे भाई, सब लोग भाई हैं तो ये टेट्राहेड्रल शेप का होता है, इसमें टोटल चार सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन के साथ कार्बन सिंगल बॉन्ड का निर्माण करता है, तो ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, ये सिंगल सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, ये सिंगल सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, ये सिंगल सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, मतलब चार सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। और देखिए हमने हाइब्रिडाइजेशन का भी एक ट्रिक बना रखा है, ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन, बहुत अच्छा वीडियो है, उसको लोग वॉच नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, हमको समझ ही नहीं आता, लेकिन उसमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे मौजूद हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं। तो हमने उसमें एक ट्रिक बताया था कि अगर चार सिग्मा बॉन्ड होना किसी भी स्पीसीज के पास चार सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होता है, अगर तीन सिग्मा हो और एक पाई हो तो उस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का हमेशा sp2 होता है, मतलब सेंट्रल एटम मतलब कार्बन का, और अगर दो सिग्मा बॉन्ड हो और दो पाई बॉन्ड हो तो उस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp होता है। ये तीन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं ऑर्गेनिक स्पीसीज के। तो पाई किसको कहते हैं, देखिए डबल बॉन्ड होगा तो एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो एक पाई
नीचे वाला फिर पाई और बीच वाला सिग्मा, बीच वाला सिग्मा और ऊपर नीचे पाई, तो ऐसे। तो अब देखिएगा इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितना सिग्मा बॉन्ड है भाई, चार सिग्मा बॉन्ड है। इनको मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा, डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई ऊपर नीचे, एक एक पाई यानी दो पाई, और बीच वाला सिग्मा। तो देखिए यहां चार सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, तो ट्रिक की मदद से, ये पहला ट्रिक सही है, तो चार सिग्मा बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण, संकरण हिंदी में ना प्रसंकरण भी कहता है, तो कोई मुश्किल नहीं है, हिंदी में बहुत नाम है भाई, हिंदी याद रखते रखते ना पागल हो जाइएगा, बहुत नाम है, इतना उल्टा फुल्टा नाम है ना, उसका दिमाग खराब हो जाता है किसी भी स्टूडेंट का। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। यही अगर मान के चलो तुम्हारे लिए एक टास्क भी दे रहे हैं, देखो CH3 में बताओ कि ये कार्बन का, इसमें प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्या होगा भाई, टास्क नहीं दे रहे, चलो मजाक कर रहे थे। यहां देखो CH3 था ना, CH3 था, तो हम क्या करते हैं ऐसे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन खींच देते हैं, क्योंकि CH3 था, मतलब दोनों कार्बन के पास तीन तीन हाइड्रोजन थे। तो देखो तो भाई सिग्मा, इस कार्बन के पास देखो ये कॉमन बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच, तो चार सिग्मा, इसका भी sp3, और यहां चार सिग्मा 1 2 3 4, तो इस कार्बन का भी sp3, मतलब अल्केन में जितने कार्बन होते हैं सबके हाइब्रिडाइजेशन जो होंगे sp3 होंगे। तो देखिए CH4 में कार्बन का संकरण क्या होगा, sp3 होगा, तो मिटा दे, अब मिटा दे, क्वेश्चन तो मिटा दिए थे, आप लिख लीजिएगा CH4 में कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा या संकरण क्या होगा, अब मिटा दे, लिख लिए, चलिए मिटाते हैं और देखते हैं अगला सवाल। नोट करते हुए चलिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए जब भी बैठिए तो, क्योंकि अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठेगा फिर आपको फायदा नहीं होगा वीडियो देखने से, आप बिल्कुल फायदे में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका डाटा भी जाएगा, डाटा तो ऐसे भी आप लोग ऐसे ही मूवी वगैरह में बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि डाटा की परवाह नहीं है, लेकिन अगर अच्छे काम के लिए कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, जैसे पढ़ाई के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलियम का सूत्र क्या है। देखिए कह रहा है ओलियम, ये है ओलियम, जरा देखते हैं, ओलियम को ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ये है ओलियम। तो ओलियम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये H2S2O7 होता है, क्या होता है H2S2O7। इस ओलियम के केमिकल फॉर्मूला का एक अलग नाम होता है पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड, मतलब ओलियम को पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, इसी को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अब कहिएगा कि ओलियम का केमिकल फॉर्मूला पूछा था, आपको केमिकल फॉर्मूला भी मिला, दो अलग नाम भी मिले, बनता कैसे है। तो देखिए जब सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ मिक्स किया जाता है तब ओलियम बनता है H2S2O7। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो किसी को भी लगभग नहीं के बराबर मालूम था, क्योंकि ये बिल्कुल नया केमिकल फॉर्मूला उस टाइम था और सिलेबस अच्छे से लोग पढ़ाते भी नहीं थे उस टाइम, इतने अच्छे एडुकेटर भी मौजूद नहीं थे। तो चलिए देखते हैं अब कि ओलियम का केमिकल फॉर्मूला H2S2O7 होता है, इसको पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड यानी पाइरोसल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। और जब सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ मिक्स किया जाता है, ये गैस है, मिक्स किया जाता है, तब पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम का निर्माण होता है। तो मिटाए, अच्छा लग रहा है, कमेंट जरूर करिए भाई क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, थोड़ा हमको भी आप अपनी फीलिंग बताएं कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है।
देखते हैं अगला सवाल। और देखो जितना ज्यादा बार आप ना क्वेश्चन बैंक को रिपीट करिएगा और सिलेबस जो भी आपने अभी तक पढ़ा है दिसंबर के बाद ना भाई आप लोग बिल्कुल नया चीज पढ़ना ही बंद कर दीजिएगा। दिसंबर तक जितना नया पढ़ना है पढ़ो और पूरा जनवरी ना केवल प्रिपरेशन करो, नया एक भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। हाँ बीच बीच में कभी मन किया कि एक नया टॉपिक पढ़ते हैं तो पढ़ लेना, लेकिन दिसंबर के बाद ना बिल्कुल नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। अगला सवाल है H3PO3 में फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। सवाल क्या है H3PO3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण क्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या क्या है आपसे पूछा जा रहा है। ऑक्सीकरण संख्या बराबर व्हाट, तो जरा देखिए जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो अभी हमने बोला कि स्पीसीज जो NiCO4 का भी निकाला ना निकेल टेट्रा कार्बोनिल का, तो अभी हमने बोला कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसको जीरो के बराबर कर देते हैं। तो ठीक वही प्रोसेस यहां भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले H3PO3 को देखेंगे स्पीसीज के ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, नहीं है इसका मतलब जीरो चार्ज है तो जीरो के बराबर कर देंगे। किसका पूछ रहा है भाई, फास्फोरस का, फास्फोरस को वैसे ही छोड़ देंगे। देखें हाइड्रोजन कितने हैं, कितने हाइड्रोजन है, तीन, तो तीन गुणे हाइड्रोजन, फास्फोरस एटम तो फास्फोरस एटम, ऑक्सीजन कितना है तीन, तो तीन गुणे ऑक्सीजन बराबर कितने, कितने जीरो के बराबर कर देंगे। अब जरा देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है अगर अगर पहले रहे केमिकल फॉर्मूला में, अगर पहले रहे कहा रहे केमिकल फॉर्मूला में, परोक्साइड को छोड़कर केमिकल फॉर्मूला में अगर पहले रहे तो उस कंडीशन में प्लस वन रखते हैं और ऑक्सीजन का माइनस टू रखते हैं, ये ऑक्सीजन का माइनस टू होता है तो माइनस टू रखते हैं। तो देखिए 3 × + 1 प्लस फॉस्फोरस प्लस 3 × ऑक्सीजन का माइनस टू बराबर कितना जीरो, देखिएगा 3 × + 1 प्लस 3 हो गया और फास्फोरस को ऐसे ही छोड़ दीजिए और 3 × - 6 देखो 3 × - 2 तो कितना जाएगा -6, -6 में प्लस से गुणा करिएगा तो प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है तो ये साइन बदल के हो जाएगा -6 बराबर में जीरो। अब देखिएगा फास्फोरस का निकालना है तो फास्फोरस को तो भाई छोड़ना पड़ेगा, इधर ही छोड़ देते हैं और इस 6 को इधर भेजते हैं तो ये देखिए जरा कंफ्यूजन ना हो, फास्फोरस को इधर छोड़ दिया, 6 को बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस में है तो प्लस में और ये प्लस 3 प्लस में है तो माइनस में, तो देयरफॉर फास्फोरस इज इक्वल टू प्लस 6 माइनस 3 कितना जाएगा प्लस 3। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट निकालते समय हमेशा ना साइन का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, चिन्ह का मतलब प्लस है कि माइनस है, माइनस है कि प्लस है, अगर चिन्ह का ख्याल नहीं रखेगा तो फिर गलत हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय हमेशा साइन का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। तो फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या जो होगा ये कितना होगा प्लस 3 होगा, किसमें H3PO3 में। सवाल है आपके लिए H3PO4 में बताइए कितना होगा फास्फोरस का, केवल ऑक्सीजन 4 मौजूद है बस गुणा करिएगा 4 × 8 और 3 कितना हो जाएगा प्लस 8 और माइनस 3 कितना हो जाएगा प्लस 5, निकाल लीजिएगा प्लस 5 हम बता देते हैं आंसर, ये मिटाएं। चलिए मिटाते हैं और इसका जवाब कितना आया, इसका आंसर कितना आएगा प्लस 5, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का प्लस 3 और ऑक्सीजन 4 है तो 4 × 8 और भी माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर के उधर और फिर प्लस 3 माइनस में उधर जाएगा तो 8 में से 5 घटाएगा कितना आएगा 3 ही ना आएगा। देखिए अगला सवाल है Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, जरा देखिए कह रहा है ना Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देख लेते हैं एक बार और क्वेश्चन। हाँ केवल एक पॉजिटिव चार्ज है तो देखिए इन जनरल कॉपर का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 29 होता है, इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो निकाल लेने के बाद
ये Cu प्लस का निर्माण हो जाता है। तो जरा देखिए कि अगर कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कॉपर केटायन का निर्माण होता है, और इस कॉपर केटायन का निर्माण अगर होगा तो हम देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। पहले न्यूट्रल स्पीसीज था तो प्रोटॉन कितने होंगे, 29, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूट्रल स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपस में जब बराबर होते हैं तो हो ना हो ये इलेक्ट्रॉन भी 29 होंगे। अब देखिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन घटा लिया गया है तो एक इलेक्ट्रॉन घटाने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 28। मतलब इस स्पीसीज में अब इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, 28 है। इतनी बात क्लियर है, यही हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि इस Cu प्लस में ये जो केटायन दिया गया है कॉपर केटायन, इसमें प्रोटॉन यानी कि परमाणु संख्या तो 29 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 28 ही है। कितना है, 28 है। तो पहले आप इसको लिखिएगा, कितना लिखिएगा, मतलब इसको पहले लिख लीजिएगा, तब यहां हम शुरू करते अपना आंसर ताकि समझ में आए आपको। अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं ना तो भी आप वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। चलिए Cu प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो जरा देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सब सेल वाइज लिखते हैं तो कहेंगे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। देखिए जरा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20। और हमारे पास परमाणु संख्या 29 है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 28। तो हमारे पास तो 20 हो गया। इतना इलेक्ट्रॉन जरा गिन के चेक कर लीजिए, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, बचा कितना, 8, 20, 8, 28, तो 3d8। ये 3d8 आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन हो गया। बात क्लियर हो गई, बोलिए। अब देखिए अगर हम एक्साइटेड स्टेट में लेकर के जाएं, ग्राउंड स्टेट में रिएक्शन हो गया, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में लेकर के जाएं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफर करा दीजिए, दो इलेक्ट्रॉन को उसमें ट्रांसफर करा दीजिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 और 4s0। तो जीरो के पास मतलब इस ऑर्बिटल के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो एनर्जी तो बिल्कुल खत्म हो गई होगी, तो दो इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो 3d10 और 4s0 ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन ग्राउंड स्टेट में यही सही है, क्लियर। तो चलिए अब हम मिटाते हैं और फिर आप इसको लिख लीजिएगा। Cu2+ देता तब क्या करते, Cu2+ ऐसे देता, इसका मतलब 29 में से माइनस दो इलेक्ट्रॉन घटा के 27 इलेक्ट्रॉन का भी ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते, समझ गए, क्वेश्चन दिया भी था। तो चलिए इनको मिटाते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद वाला सवाल क्या है। नोट्स बनाते रहिए और बताते रहिए हमको कि आपको कहां कहां समस्या हो रही है। देखिए जब तक आप ना काम नहीं करिएगा तब तक आपको समस्या होगी नहीं, समझ ही नहीं आएगा कहाँ समस्या है। तो काम करिए फिर समस्या ढूंढिए और फिर आप समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो फिर हमें कमेंट करिए, हम बताएंगे। अगला सवाल है K फॉर एफिशिएंसी का यूपीएससी नेम, देखिए 10 नंबर सवाल है ये, के फोर एफ ई सी एन सिक्स का IUPAC नेम क्या होगा। जरा देखिए ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब भी IUPAC नेम लिखते हैं तो सबसे पहले मेटल को लिखते हैं तो क्या कहेंगे, पोटेशियम, और फिर लिगेंड के संख्या को लिखते हैं तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, कौन सा साइनो, हेक्सा, आ सीएन है ना तो साइनो कहते हैं, पोटेशियम हेक्सा साइनो, छह है तो हेक्सा, आ सीएन है तो
शाइनो, क्लियर शाइनो। अब जरा देखिए उसके बाद आयरन है तो इसको Fe है तो इसको कहते हैं फेरेट, क्या कहते हैं फेरेट, क्या कहते हैं फेरेट। और अब देखते हैं कि सेंट्रल एटम आयरन का कोऑर्डिनेशन, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। तो जरा देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको निकालना पड़ेगा तभी यहां डिजिट लिखा पाएगा। देखते हैं जरा K4 तो K4, Fe तो Fe और CN6 कितना है 6, जीरो के बराबर कर देते हैं क्योंकि चार्ज नहीं है। तो K4 पोटेशियम का प्लस वन होता है तो प्लस वन इंटू फोर प्लस Fe प्लस CN का होता है -1 तो -1 इंटू 6 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए +1 इंटू 4 तो +4 आप प्लस Fe देखिए -1 में 6 से गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा, -6 बराबर 0। तो Fe इज इक्वल टू माइनस को इधर भेजिएगा, माइनस सहित इधर भेजिएगा तो +6 आई माइनस +4 को उधर भेजिएगा तो -4 तो कितना आ गया +2 मतलब फेरेट कितना हो जाएगा 2 लिखते हैं। इसके रूल्स भी होते हैं तो आप रूल्स को एक बार जरूर पढ़िए। अभी इसके ऊपर हमने कोई वीडियो नहीं बनाया है नाम के ऊपर, ऑब्जेक्टिव में एक दो क्वेश्चन थे उसको हमने बनाया है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है ये तो आपको पता लग ही गया होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। तो देखिए पोटेशियम हेक्सा शाइनो फेरेट, पोटेशियम हेक्सा शाइनो फेरेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 2, तो इसलिए 2 मिटा दे। चलिए इसके बाद वाले ना सवाल जितने हैं ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, मतलब यहां तक जितने सवाल थे 10 वो सब के सब एक एक नंबर के सवाल थे और अब ना दो दो नंबर के सवाल हैं जो शॉर्ट टाइप हैं। क्वेश्चन कहता है 11 से 23 में से किसी किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, तो 10 प्रश्न है, 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। सवाल कितने हैं 12 सवाल है। चलिए शुरू करते हैं उनको भी क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो है नहीं इसमें, तो कम से कम शॉर्ट टाइप इसमें और करा देते हैं। लॉन्ग टाइप के लिए हम अलग वीडियो बनाना भी शुरू करेंगे, देखते हैं। 11 नंबर सवाल है आपका, क्या है 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित धातुओं को परिष्कृत का मतलब होता है शुद्धिकरण यानी शुद्ध करना, परिष्कृत करने के लिए कौन कौन सी विधियां काम के रूप में लाई जाती है। पहला है निकेल, दूसरा है आयरन। पहला है निकेल मतलब निकेल का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बताना है, निकेल का प्यूरिफिकेशन यानी शोधन की प्रक्रिया को बताना है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को आपको बताना है। और दूसरा है आयरन, क्या है आयरन, इसका आपका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को बताना है, क्लियर। अब देखिए तो निकेल का प्यूरिफिकेशन जो प्रोसेस होता है ये वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले मॉन्ड प्रोसेस की अगर बात करें तो मॉन्ड प्रोसेस से, किस प्रोसेस से, मॉन्ड प्रोसेस से निकेल का प्यूरिफिकेशन होता है, निकेल का प्यूरिफिकेशन होता है, क्लियर। इस प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले इम्प्योर जो निकेल होता है अशुद्ध निकेल को सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 350 से मैक्सिमम टेम्परेचर पर, लगभग 350 से 450 मान के चलो 450 केल्विन टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद ये निकेल टेट्राकार्बोनिल सॉलिड स्टेट में बनाता है, निकेल टेट्राकार्बोनिल बनाता है। और उसके बाद ये सॉलिड निकेल टेट्राकार्बोनिल NiCO4 निकेल टेट्राकार्बोनिल को फिर से जब 450 से अधिक टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद निकेल लिक्विड स्टेट में यानी मोल्टेन स्टेट में लगभग 99% प्योर प्राप्त होता है, लगभग 99% प्योर प्राप्त होता है। और उसके बाद फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन करके और फिर उड़ जाता है। तो ये निकेल का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस रहा। निकेल का अगर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पूछे आपसे
तो ये मॉन्ड प्रोसेस है, क्या है, मॉन्ड प्रोसेस, क्लियर। और वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस में मॉन्ड प्रोसेस और उसके बाद जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, ये एक दो प्रोसेस है जिसमें टाइटेनियम और जिरकोनियम का जोन रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, और निकेल का मॉन्ड प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। तो उसको भी लिख लीजिएगा जो हमने बोला है जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए। अब बचा आयरन, आयरन का प्यूरिफिकेशन लिंज डोनाविज, क्या बोलते हैं इसको, लिंज डोनाविज प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, अशुद्ध जो आयरन होता है, इस अशुद्ध आयरन को सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जैसे ही पास आउट कराया जाता है, मतलब अशुद्ध आयरन में ऑक्सीजन गैस पास आउट कराते हैं वेपर स्टेट में, तो जैसे ही पास आउट कराते हैं तो ये आयरन लिक्विड स्टेट में प्योर प्राप्त होता है, और इसकी परसेंटेज जो होती है लगभग 98% होती है। कितनी परसेंट, 98% ये प्योर होता है, और लिंज डोनाविज प्रोसेस के द्वारा, थोड़ा नाम उल्टा है, लिंज डोनाविज या डोनाविज भी कहते हैं, तो इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आयरन का प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, निकेल का प्यूरिफिकेशन जो प्रोसेस होता है ये मॉन्ड प्रोसेस होता है, जिसमें निकेल का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, और इस प्रोसेस में निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इतने टेम्परेचर पर गर्म करने पर यह ना वाष्पशील होता है, और निकेल टेट्राकार्बोनिल का निर्माण होता है सबसे पहले सॉलिड स्टेट में, और फिर निकेल टेट्राकार्बोनिल को गर्म करने पर 99% शुद्ध निकेल प्राप्त होता है। अब दूसरी बात है आयरन की, तो आयरन को लिंज डोनाविज या लिंज डोनाविज प्रोसेस के द्वारा इसका शुद्धिकरण किया जाता है, और आयरन को ऑक्सीजन के साथ जब केवल और केवल गर्म करते हैं, केवल और केवल पास आउट कराते हैं, तो पास आउट कराने के बाद आयरन लिक्विड स्टेट में प्राप्त होता है, जिसकी परसेंटेज, प्योर परसेंटेज 98% होती है। मिटा दें, चलिए मिटाते हैं और फिर देखते हैं कि इसके बाद का सवाल क्या है। दो नंबर का सवाल है, तो आप ऐसे बिल्कुल लिखिएगा तो ही आपको दो नंबर मिलेगा, रिएक्शन बिल्कुल लिखिएगा, नहीं तो भाई साहब आपको नंबर देगा ही नहीं, है ना। इस साल थोड़े चांसेस और भी गंभीर हैं, क्योंकि सवाल जितने भी रहेंगे थोड़ा सा इजी तो रहेगा, लेकिन इतना ही इजी पूछ देगा ना कि लोग समस्या में फंस जाएंगे कि इतना भी इजी क्या क्वेश्चन हो सकता है क्या। बहुत इजी सवाल होंगे, और बस पढ़ने का अपना अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, तरीके बदलने पड़ेंगे आपको। अगला सवाल देखते, अगला सवाल है आपका, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या हैलोजन आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य हैं। देखिए क्वेश्चन है 12 नंबर, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या हैलोजन, ऐसे ही कह रहा है, इधर फ्लोरीन भी दे देता ना जी, क्योंकि ये सब के सब हैलोजन है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या हैलोजन किस ग्रुप के सदस्य हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए ये है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और ये आयोडीन, इसके बाद एस्टेटाइन, क्या है फ्लोरीन, उसके बाद है क्लोरीन, इसके बाद है ब्रोमीन, और इसके बाद है आयोडीन, और इसके बाद है एस्टेटाइन। ये सब के सब ना एस्टेटाइन, ये सब के सब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लिखा जाता है तो परमाणु संख्या पहले लिख देते हैं 9, 17, 35, 53 और ये 85। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हीलियम और कितना हो जाएगा 2s2 और 2p कितना 5। इसके बाद क्लोरीन का लिखेंगे तो लिखेंगे नियॉन और 3s2 और 3p5। इसी तरीके से ब्रोमीन का लिखेंगे तो कहेंगे आर्गन और फिर कहेंगे 4s2 3d10 और इसके बाद 4s2 3d10 उसके बाद क्या होगा भाई 4p कितना 5।
यही होगा। डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये 4s2 और 4p5। तो जरा देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, ns2 np5 हो रहा है, ns2 np5 हो रहा है। अब देखिए इससे ग्रुप आपको निकालने में काफी मदद मिलेगी, किससे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो ग्रुप नंबर अगर हम निकालते हैं, इनका आप लिख लीजिएगा अपने से, यहां क्रिप्टन रख लीजिएगा। तो ग्रुप नंबर निकालने का तरीका क्या है, पूछ रहा है कि किस ग्रुप के सदस्य हैं, तो ग्रुप नंबर आपको निकालना पड़ेगा। पी ब्लॉक के जितने एलिमेंट होते हैं, देखिए जिस जिस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाता है उसको एस ब्लॉक का तत्व कहते हैं, और जिस जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में यानी पी सब सेल में जाता है उसको पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, डी में जाता है तो डी ब्लॉक का, एफ में जाता है तो एफ ब्लॉक का। तो पी में लास्ट में गया है, देखिए पी फाइव सब में पी फाइव, तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np5। और ग्रुप नंबर निकालने का तरीका होता है पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए क्या होता है, 10+ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10+ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जितने लास्ट ये एस और पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है होते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप क्या कहिएगा, 10+2 + 5 कितना हो जाएगा, 10+2 + 5 बराबर 17, कितना हो जाएगा 17। तो इसलिए ये ना ये सब के सब मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन ये ना ग्रुप 17 के तत्व हैं, किसके, ग्रुप 17 के तत्व हैं जिनको हैलोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, हैलोजन फैमिली, मतलब हैलोजन के हैलोजन परिवार के ये सदस्य कहलाते हैं। क्लियर, हम तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन आपको भाई समझाना जरूरी है। एस ब्लॉक के लिए कहता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही ग्रुप नंबर होगा, उतना ही ग्रुप नंबर होगा। जैसे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया ग्रुप नंबर एक, दो आ गया तो दो बना ले नहीं लीजिएगा। अब पी में आए तो 10+ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 आए तो 10+3 = 13। जैसे एल्यूमिनियम का है, पूछ दे एल्यूमिनियम का ग्रुप नंबर कितना होगा ना, तो एल्यूमिनियम का अगर पूछ दे तो आप क्या करिएगा, इसको लिख लीजिएगा, मिटा दिए हैं, एल्यूमिनियम का लिखे तो क्या कहिएगा, ये नियॉन, और फिर क्या कहिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 ऐसे ही ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो कहिएगा है 2+1 + 10 कितना हो जाएगा, 13, माने एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का तत्व है, आराम से बनेगा, मिटा दें, बिल्कुल। चलते हैं आगे और देखिए क्वेश्चन को ना इतना बढ़िया से डील कर देना है कि ना एग्जामिनर मजबूर हो जाए कि हमको नंबर देना पड़े, मतलब आपको नंबर देना पड़े, इतना अच्छे से लिख देना है ना कि एग्जामिनर एकदम मजबूर हो जाए। सवाल का इसका जवाब क्या लिखेगा, कहिएगा क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np5 होता है और ग्रुप 10+ ns और np के इलेक्ट्रॉन के योग से 17 होता है, इसलिए हैलोजन ग्रुप 17 का सदस्य है। बात खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। तो अब 13 नंबर सवाल है कि अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य क्यों होती है। तो देखिए अक्रिय गैस जो होते हैं ये ग्रुप 18 के तत्व होते हैं, ग्रुप 18 पेरियोडिक टेबल के ग्रुप 18, और कौन कौन से तत्व होते हैं, ये होते हैं हीलियम, ये होते हैं नियॉन, ये होते हैं आर्गन, ये होते हैं क्रिप्टन, ये होते हैं ज़ेनॉन, ये रेडॉन और अन ऑक्टियम। तो देखिए पूछ रहा है कि संयोजकता शून्य क्यों होती है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है, ये एक्सेप्शनल केस है, ये ग्रुप 18 पी ब्लॉक का तत्व है, और हीलियम को हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर एस ऑर्बिटल में इसका इलेक्ट्रॉन रह जा रहा है, अटक जा रहा है,
तो इसलिए हीलियम इनर्ट नेचर का होता है, मतलब अक्रिय प्रवृत्ति का होता है, इसलिए ग्रुप 18 के तत्वों के साथ इसको रखा गया है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसको थोड़ा साइड करते हैं। अब देखिए नियॉन आर्गन, इसका परमाणु संख्या कितना 10 होता है, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका हो जाता है कितना 86 और ये 118। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6। तो देखिए जरा 2s2 2p6, ग्रुप 18 के जितने तत्व होते हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np6 होता है। ग्रुप 18 के जितने तत्व होते हैं, ग्रुप 18 p ब्लॉक का तत्व है और इस ग्रुप 18 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np6 होता है। मतलब ना दोनों इलेक्ट्रॉन भरा है, हीलियम को केवल छोड़कर दोनों सबसेल भरा है, एस सबसेल भी पूरा भरा है और पी सबसेल भी पूरा भरा है। ये तो मालूम होगा कि एस में दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो देखिएगा s2p6 भरा है पूरा, तो यहां बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, हिंदी में क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है, और अंग्रेजी में कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हिंदी में कहते हैं संयोजी, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखो कितना हो गया 8। अगला आर्गन देखते हैं, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो नियॉन है 10 हो जाएगा, उसके बाद कहेंगे 3s2 3p6, समझ गए। तो देखिए फिर s में 2 गो p में 3 गो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन फिर 8 गो हो गया। फिर इसी तरीके से निकालेंगे तो 8 गो 8 गो 8 गो 8 गो चलते जाएगा। तो संयोजकता जब निकालना होता है तो संयोजकता का रूल है, संयोजकता यानी कि वैलेंसी का रूल है कि यदि, पहला रूल, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 या 2 या 3 या 4 हो तो संयोजकता भी 1 या 2 या 3 या 4 होगा। और दूसरा तरीका है कि यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक मान 5, 6, 7 या 8 हो जाए, तो संयोजकता जब निकालेंगे ना तो संयोजकता निकालेंगे तो कहेंगे 8 में से 5 या 6 या 7 या 8 घटा देंगे, समझ गए। तो देखिए इसके हिसाब से कितना आ जाएगा, 3, 2, 1 या 0 आ जाएगा। तो देखिएगा भाई संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आया है सब में, इसमें 8 आया है, आया कि नहीं आया। तो जब 8 आया है तो संयोजकता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि कहेंगे कि 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन माने 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन घटा देंगे 8, तो कितना गया 0। यही केस इसके साथ भी लागू होगा, यही केस इसके साथ भी, और सबके साथ यही केस लागू होगा। तो सबके पास टोटल इलेक्ट्रॉन मान वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है 8, तो संयोजकता निकालेंगे 8 में से 8 घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो अब ये तो सॉल्यूशन हो गया समझने के लिए, लेकिन जवाब सटीक क्या लिखेंगे, सटीक लिखेंगे कहेंगे कि ग्रुप 18 के मतलब अक्रिय गैसों, क्या बोलेंगे, अक्रिय गैसों जिसको नोबल गैस इनर्ट गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैसों या नोबल गैसों या इनर्ट गैसों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np6 होता है और इसमें s और p ऑर्बिटल में पूर्णतः इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनका 8 होता है और संयोजकता निकालने के दौरान 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन घटा दिया जाता है, तो इसलिए 8 - 8 = 0 कर दीजिएगा और कहिएगा यही कारण है कि इनका संयोजकता कितना होता है 0 होता है। क्लियर हो गई, चलिए मिटाते हैं, समझ गए होंगे बिल्कुल बात। अब ऐसे नहीं समझिएगा ना तो भाई साहब हम अब इसके आगे कुछ नहीं कहेंगे। ये जो रूल है इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है 2019 में या 18 में ही हमने वीडियो बनाया था, तो आप देख लीजिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शमशेर अली केमिस्ट्री सर्च करिएगा या वैलेंसी शमशेर अली केमिस्ट्री सर्च करिएगा, आ जाएगा यूट्यूब पे। चलिए मिटाते हैं, देखिए एक सवाल को बनाने के लिए कितने टर्मोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो अगर टर्मोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है ना, इसका मतलब माइंडसेट आपका एकदम क्वेश्चन की तरफ रहना चाहिए,
नहीं तो थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो गए काम से। और इस साल तो ऐसे ही खतरनाक पढ़ाई हुई है आपकी, सिलेबस तो टाइम से बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा। समय इतना बर्बाद हो गया ना कि बहुत मुश्किल हो गया, 7 से 8 महीने कम नहीं होते, तो समय बर्बाद होने के कारण किसी का भी सिलेबस ऑन टाइम नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और पोटेंशियल, पोटेंशियल। देखिए जरा, कहता है कि किसी किसी इलेक्ट्रोड का इकाई सांद्रता, मतलब 1 यूनिट कंसंट्रेशन, इकाई सांद्रता 298 केल्विन ताप पर, किसी इलेक्ट्रोड का इकाई सांद्रता 298 केल्विन ताप पर जितना इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उत्पन्न करता है, उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। इसे ई नॉट से या ई नॉट सेल के द्वारा सूचित किया जाता है, ई थोड़ा हमारा ऐसे बनाते हैं लेकिन ई आप ऐसे बना लीजिएगा, ई नॉट या ई नॉट सेल के द्वारा डेनोट किया जाता है। किसी इलेक्ट्रोड का इकाई सांद्रता यानी 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन 298 केल्विन ताप पर जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उत्पन्न करता है उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। 14 नंबर हो गया सवाल आपका, 15 नंबर पे चलते हैं। तो 15 नंबर सवाल है आपका, कार्बोकेटाइन क्या है व्याख्या करें। तो सुनिए, कार्बोकेटाइन को हिंदी में कार्बधनायन भी कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, कहेंगे कि किसी ऑर्गेनिक स्पीसीज जैसे ये मिथाइल क्लोराइड है, तो किसी ऑर्गेनिक स्पीसीज में कार्बन और दूसरे एटम के बीच के बॉन्ड का फीजन, मतलब बीच के बॉन्ड का टूटने की जो प्रक्रिया है, ये अगर हेट्रोलाइटिक फीजन हो जाए, हेट्रोलाइटिक फीजन मैंने फीजन का मतलब टूटना, तो अगर हेट्रोलाइटिक फीजन हो जाए तो जरा देखिए, अगर ये बॉन्ड टूटे हेट्रोलाइटिक फीजन हो जाए, तो हेट्रोलाइटिक का मतलब होता है कि जो एटम माने जो परमाणु बरियार रहता है, बरियार माने स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो क्या करता है कि जैसे ही टूटता है बॉन्ड जैसे ही टूटता है तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब क्या करता है कि जैसे ही बॉन्ड टूटता है तो ये इधर वाला इलेक्ट्रॉन तो उसके पास ही रहता है, अब क्या करता है जैसे ही बॉन्ड और टूटता है तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन भी अपने पास खींच लेता है, क्यों, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, जिससे खींचता है, तो खींचने के दौरान ये तो इसके पास है ही, और टूटता है तो ये भी इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है। जब इसके पास चला जाता है तो जरा देखिए, इसको हेट्रोलाइटिक फीजन कहते हैं, समझ गए। अब देखिए, तो ये भी इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन जब इसके पास चला जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन, और ये पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो ये Cl- और ये CH3
पॉजिटिव। तो ये हो गया। अब पहले इसका नाम क्या था, मिथाइल क्लोराइड। नाम क्या था, मिथाइल क्लोराइड। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, मिथाइल आ कार्बो केटायन। कार्बन के ऊपर देखिए, पहले तो स्पीसीज मिथाइल है और कार्बन के ऊपर केटायन मौजूद है, इसलिए कहते हैं मिथाइल कार्बो केटायन। तो क्या कहेंगे जरा सुनिए। कार्बो केटायन बनता कैसे पता लग गया, इसमें एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। यही थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ भी लेकर के जाता है, और इस साल सेंटअप एग्जाम में इंडक्टिव इफेक्ट पूछा गया था। जरा सुनिए क्या कहेंगे, जब किसी ऑर्गेनिक स्पीसीज में मौजूद कार्बन और किसी एटम के बीच के बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी कोई दूसरा स्पीसीज अगर ले ले, दूसरा एटम ले ले, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, उसी को कार्बोकेटाइन कहते हैं। और ये मिथाइल हमने ग्रुप लिया था, इसलिए मिथाइल कार्बोकेटाइन कहेंगे। अगर इथाइल ग्रुप लेते तो कहते इथाइल कार्बोकेटाइन। बात क्लियर हो गई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर बोलिएगा कि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन के द्वारा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा जबकि दूसरे की कम होती है। लिखते हैं आप 16 नंबर सवाल। वर्षा से आप क्या समझते हैं, वायुमंडल में जब सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है, तो ये जल से रिएक्शन करके, ये जल से रिएक्शन करके और फिर क्या करता है, H2SO3, और फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म अगर सल्फर डाइऑक्साइड की ज्यादा है तो सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन टर्म ज्यादा होने के कारण सल्फ्यूरिक एसिड का भी फॉर्मेशन कर देता है, और H2O जब फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है। NO2 अगर रिएक्शन करता है H2O से तो फिर ये HNO2 और HNO3 का निर्माण करता है। तो अब देखिए, तो कहेंगे कि वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब बारिश के कणों यानी बारिश के पानी के बूंदों से रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करके सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कमा कार्बोनिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और बारिश की बूंदों के साथ जमीन पर आते हैं। उसी वर्षा को वो कैसी, किस नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और इसलिए अम्लीय प्रकृति के होने के कारण उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, मिटाते हैं। तो 16 नंबर आपका क्वेश्चन है। अब फॉर्मलिन का दो यूज लिखें, यानी दो उपयोग लिखें। तो देखिए फॉर्मलिन के दो उपयोग क्या होते हैं। सबसे पहली बात, फॉर्मलिन होता क्या है, ये फॉर्मलिन होता क्या है। तो देखिए 40% जल और 60% फॉर्मल्डिहाइड, 60% फॉर्मल्डिहाइड के मिक्सचर को या सॉल्यूशन को, जो कह लो सॉल्यूशन को, फॉर्मलिन कहा जाता है। देखिए आजकल जितने केले पकते हैं ना, और फिश यानी कि मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम फॉर्मलिन है। केला अगर बिल्कुल हरा हो और 5 से 6 घंटे में काफ़ी आसानी से आपको उसका कलर पीला करना हो तो फॉर्मलिन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो परंपरागत तरीके से नहीं किया जाता, गैर परंपरागत तरीका है, वो नुकसानदेह तरीका है। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका यूज क्या है, तो देखिए यूज में सबसे पहले यूज की अगर बात करें तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जिसको बैकेलाइट कहते हैं, ये एक पॉलीमर है, इसको बनाने में
इस फॉर्मलिन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इस्तेमाल क्या है, मरे हुए जानवरों को सुरक्षित रखने में, क्या रखने में, सुरक्षित रखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा इस्तेमाल अगर बोले तो पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अभी हमने बताया कि मछलियों को भी सुरक्षित रखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, केला को पकाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए ये आपका यूज हो गया, ये आप लिख लीजिएगा कि फॉर्मलिन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ और इसको हम मिटाते हैं। 40% जल, कभी कभी 37% भी लिखता है, तो 37% जल और 63% फॉर्मल डिहाइड के मिश्रण को या मिश्रित विलयन को फॉर्मलिन कहा जाता है। फॉर्मलिन का इस्तेमाल मरे हुए जानवर, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने में और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन यानी बैकलाइट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन है एनिलीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे। देखिए ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले तो बहुत लंबे लंबे कन्वर्जन पूछे जाते थे, अब बिल्कुल रिडक्शन का या ऑक्सीडेशन का ही केवल क्वेश्चन पूछ के रह देते, मतलब उतना तक ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से ही क्वेश्चन पूछता है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है एनिलीन से बेंजोइक एसिड, कौन सा एसिड, बेंजोइक एसिड आपको क्या करके देना है, बना के देना है एनिलीन से। तो सबसे पहली बात एनिलीन होता क्या है, देखिए एमिनो बेंजीन जो होता है ये एनिलीन कहलाता है। जब एमिनो बेंजीन सोडियम नाइट्राइट और HCl के मिक्सचर के साथ रिएक्शन करता है, तो आमतौर पर इस मिक्सचर में HCl जब रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद, और ये रिएक्शन होता कितना पर है, ये रिएक्शन कितना डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस, लगभग 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होती है, हाँ लगभग 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखिए जब एनिलीन को NaNO2 और HCl के मिक्सचर के साथ रिएक्शन कराया जाता है कितने डिग्री पर, 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण करता है। नाम क्या है इसका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण करता है और ये एक सॉल्ट है, क्या है, सॉल्ट यानी लवण है। अब देखिए हमको बनाना है क्या, बेंजोइक एसिड, तो एनिलीन से हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना दिया। अब क्या करते हैं कि या तो गटरमैन रिएक्शन करा देते हैं ताकि ये साइनाइड में चेंज हो जाए, नहीं ऐसा करते हैं, इसका रिएक्शन CuCN से कॉपर साइनाइड से करा देते हैं। देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जैसे ही कॉपर साइनाइड से रिएक्शन करता है तो कॉपर साइनाइड से रिएक्शन करने के बाद ये CuCl के रूप में बाहर निकल जाता है, N2 बाहर निकल जाता है, -N2 और CuCl2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और CN आकर के यहां जुड़ जाता है। देखिए बोर्ड लेवल एग्जाम में ना मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता है, मतलब क्रियाविधि नहीं पूछा जाता है, तो हम ऐसी केमिकल रिएक्शन आपको बता रहे हैं। देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कॉपर साइनाइड से रिएक्शन किया तो ये साइनोबेंजीन या इसी को बेंजोनाइट्राइल कहते हैं, क्या कहते हैं, बेंजोनाइट्राइल
या इसी को साइनोबेंजीन कहते हैं, साइनोबेंजीन कहते हैं। बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये साइनोबेंजीन, ये साइनोबेंजीन, अच्छा बेंजोइक एसिड होता कैसा है जरा देखिएगा। बेंजोइक एसिड ये है, ये आपका बेंजोइक एसिड है। तो कार्बन तो हमारे पास आ गया, नाइट्रोजन है ना, तो काम करते हैं हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं एसिड के प्रेजेंस में, क्योंकि हाइड्रोलिसिस अगर कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस कब कराते हैं, H2O के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो हमको चाहिए क्या, OH चाहिए और फिर एक और ऑक्सीजन चाहिए, तो एक और ऑक्सीजन चाहिए, तो एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं। देखिए अब इसका रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में, मतलब कि H प्लस के उपस्थिति में इसका रिएक्शन किससे करा देते हैं, H2O से एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं। जैसे रिएक्शन कराएंगे तो ये कितना मोल NH3 बन जाएगा, तो चार मोल हो जाएगा, ताकि दो मोल रखना पड़ेगा H2O, कितना मोल H2O दो मोल रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए तो ये C डबल बॉन्ड O O H और फिर ये बेंजीन रिंग, ठीक है। इसके बाद क्या बनता है, इसके बाद बनता है NH3 यानी अमोनिया गैस बनता है, अमोनिया गैस बनता है, हाँ ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड, क्या हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया। बेटा देव लिख लीजिए पहले, एनिलीन, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, बेंजोनाइट्राइल या साइनोबेंजीन और ये बेंजोइक एसिड, बेटा दें। चलिए तो 19 नंबर आपका सवाल है, HF और HCl में प्रबल अम्ल कौन है, मतलब HF है कि HCl है। तो देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ग्रुप 17 के तत्व हैं जो हैलोजन कहलाते हैं, और फ्लोरीन का साइज छोटा होता है जबकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है। क्लोरीन का साइज बड़ा होने के कारण इसका जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड पाया जाता है, इस बॉन्ड से ये बड़ा होता है, ये बॉन्ड बड़ा होता है, ये बॉन्ड छोटा होता है। तो बॉन्ड छोटा होने के कारण ये इजीली H प्लस आयन, इजीली H प्लस आयन डोनेट नहीं करता है, डोनेट नहीं करता है। जबकि HCl में क्लोरीन का साइज बड़ा और बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होने के कारण HCl इजीली, मतलब आसानी से H प्लस आयन डोनेट करता है। इसलिए HCl HF से प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। बात क्लियर, कैसे लिखेगा कहिएगा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड में फ्लोरीन का साइज छोटा जबकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है और बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होता है, जिसके कारण HCl में H यानी हाइड्रोजन आसानी से H प्लस आयन डोनेट कर देता है जबकि HF नहीं करता है, इसलिए HCl HF से प्रबल अम्ल होता है। लिख लीजिएगा जैसा हमने बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 20 नंबर आपका सवाल है, अब H2S अम्लीय जबकि H2O उदासीन होता है क्यों, बताइए क्यों भाई। तो देखिए H2 कॉमन है, सल्फर ऑक्सीजन, ये सल्फर और ऑक्सीजन ग्रुप 16 के तत्व हैं, तो हमने ग्रुप 16 को यहां लिखा है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम और पोलोनियम, इसके बाद अनन हेक्सियम भी होता है। लेकिन देखते हैं कि ऑक्सीजन का साइज छोटा है और सल्फर का साइज बड़ा है, तो उत्तर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे H2S कमा H2O में सल्फर का साइज ऑक्सीजन से बड़ा होता है और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर
आने पर बॉन्ड लेंथ में, बॉन्ड लेंथ यानी आबंध की लंबाई, बॉन्ड लेंथ में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है जिससे जिससे हाइड्रोजन और सल्फर के बीच, हाइड्रोजन और सल्फर के बीच का बॉन्ड आसानी से टूटकर, आसानी से टूटकर ब्रेक होकर H प्लस आयन डोनेट कर देते हैं, आयन डोनेट यानी दान कर देते हैं, प्रदान कर देते हैं, कर देते हैं। इसलिए H2S अम्लीय होता है, जबकि H2O नहीं, जबकि H2O में ऐसा नहीं होता, H2O में ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए H2O उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। लिख लीजिएगा, काफी आसान है। पहली बात कि सल्फर का साइज बड़ा, ऑक्सीजन का साइज छोटा। दूसरी बात, बॉन्ड लेंथ में जब वृद्धि होती है ऊपर से नीचे आने पर, तो आसानी से H प्लस आयन डोनेट कर देता है H2S, और H2O में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब कुछ नहीं होता है तो आसानी से H प्लस आयन डोनेट कर देने के कारण ही H2S क्या होता है? अम्लीय होता है, जबकि H2O ऐसा नहीं करता, तो उदासीन होता है। तो चलिए लिख लीजिए इसको, और फिर हम 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व होते हैं क्यों? मतलब किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में पेरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और ट्रांजिशन सीरीज में 10 ही तत्व क्यों होते हैं, इसका जवाब आपको देना है। देखिए, सबसे पहली बात, संक्रमण श्रेणी कहते किसको है? तो जितने डी ऑर्बिट, मतलब जितने डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है, उनको डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। और डी ब्लॉक के सभी तत्वों को केवल जिंक, कैडमियम और पारा को छोड़कर संक्रमण श्रेणी का तत्व कहा जाता है। लेकिन हमारा वहां उतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, सवाल जैसा पूछ रहा वैसा जवाब दे देना है। किसी संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व होते हैं क्यों? तो देखिए, उत्तर क्या लिखेंगे? कहेंगे कि संक्रमण श्रेणी के तत्व, संक्रमण श्रेणी के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन NS2N-1D1-10 होता है, 1-10 होता है, तथा संक्रमण श्रेणी के तत्वों के डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं, इसलिए संक्रमण श्रेणी में 10 ही तत्व होते हैं, 10 ही तत्व होते हैं, चाहे वो कोई भी श्रेणी हो, 3D 4D कोई भी श्रेणी हो, 10 ही तत्व होते हैं। लेकिन 3D के बाद अगर
आगे बढ़ते हैं तो वो लगभग एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी बीच में आ जाते हैं, तो इसलिए ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट को अलग डिवाइड कर दिया गया है। तो जवाब सुनिए फिर से, संक्रमण श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2n-1d1-210 होता है तथा संक्रमण श्रेणी के तत्वों के d ऑर्बिटल में, किस ऑर्बिटल में, d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं, इसलिए संक्रमण श्रेणी में 10 ही तत्व होते हैं। कितने श्रेणी में? 10 श्रेणी में 10 ही तत्व होते हैं। तो लिख लीजिएगा और हम 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला सवाल है आपका मूल प्रभाज की व्याख्या करें। देखिए 2014 में कितना सवाल पूछा गया था, आप अपने से अंदाजा लगा सकते हैं। मोल प्रभाज की व्याख्या करें तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे, मोल प्रभाज को अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोल फ्रैक्शन। तो कहते हैं किसी सॉल्यूशन में यानी विलयन में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और उसी सॉल्यूशन में, उसी विलयन में मौजूद विलेय और विलायक के मोलों की संख्या का योगफल का अनुपात मोल प्रभाज, क्या मोल प्रभाज, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोल फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे जरा देखना। कहता है कि किसी विलयन में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या और उसी विलयन में मौजूद विलेय और विलायक के मोलों की संख्या का योगफल का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। तो कहेंगे फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या कहेंगे, मोल प्रभाज या इसी को मोल भिन्नांक भी कहते हैं। मोल प्रभाज को चाई से डिनोट किया जाता है, बिल्कुल ये एक्स जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होता है। चाय, चाय स्टेशन पर जैसे चिल्लाता है ना, तो वो वैसे ही प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये चाई से डिनोट किया जाता है और कैसे लिखा जाता है, देखिए मोलों की संख्या को स्मॉल एन से सूचित किया जाता है। तो मोलों की संख्या इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया, विलेय के मोलों की संख्या और विलेय और विलायक के मोलों की संख्या, तो तीन चीजें इस्तेमाल हो रही, एक बार विलेय फिर विलेय और विलायक, तो विलेय और फिर विलायक के लिए हम लिख दे रहे हैं, तीन लिखने का तरीका समझा रहे हैं। अब देखिए अगर आगे बढ़ें तो ये विलेय हो गया, ये विलेय और विलायक हो गया। तो विलेय के मोलों की संख्या, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय यहां लिख सकते हो, ये विलेय लिख सकते हो यहां, और ये फिर बीच में प्लस दे करके ये विलेय लिख सकते हो और फिर यहां विलायक लिख सकते हो। अगर हिंदी में लिखना है तो, अंग्रेजी में अगर लिखना हो तब तो ये देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कई किताब करता क्या है कि विलेय को स्मॉल एन मान लेता है और विलायक को कैपिटल एन मान लेता है। तो अगर उस तरीके से लिखें तो यहां लिखते हैं, कहेंगे कि देयरफॉर अगर विलेय क्या है, विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन और विलायक को क्या कैपिटल एन मान ले, तो देयरफॉर मोल प्रभाज बराबर, मोल प्रभाज मतलब चाई बराबर, क्या कहेंगे कि स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये थोड़ा ज्यादा फेमस है लेकिन अच्छे से समझने के लिए आपको ये, मतलब आप ये भी लिख लीजिएगा, और ये थोड़ा फेमस है, किताब ऐसे ही लिखता है स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या है और कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या है। तो ये आपका मोल प्रभाज हो गया। और अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ
आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 23 नंबर का 23 नंबर सवाल है आपका, लवर सेतु यानी साल्ट ब्रिज क्या है। तो देखिए लवर सेतु यानी साल्ट ब्रिज, कहेंगे कि लवर सेतु, लवर सेतु एक यू आकार का, अंग्रेजी के अल्फाबेट यू जो होता है उसी के आकार का, ऐसे बिल्कुल ऐसे यू आकार का एक ट्यूब होता है, नली होता है, ट्यूब होता है यानी नली होता है, जिसमें इनर्ट मतलब अक्रिय इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य, जैसे केसीएल यानी पोटेशियम क्लोराइड कमा K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट कमा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को अलग 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 जेल में सेमी सॉलिड यानी अर्ध ठोस कैसा होता है, बिल्कुल लेई के समान, मतलब ना तो ज्यादा हार्ड और ना ही ज्यादा लिक्विड जैसा, तो उसको सेमी सॉलिड कहते हैं। सेमी सॉलिड लेई यानी पेस्ट बनाकर रखा जाता है, बनाकर रखा जाता है, ये इसका डिफिनेशन हो गया। ये 23 क्वेश्चन 2014 के हो गए। अब आप समझिए कि 2014 में जो विद्यार्थी एग्जाम दिया होगा भाई कितना मुश्किल से दिया होगा, बहुत लिखना पड़ता था। अब देखिए तो ये 23 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद भी और दो क्वेश्चन हम बता देते हैं, 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। 15 जो क्वेश्चन बचेंगे ये थोड़े लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो उनको बनाने में और ज्यादा वक्त लगेगा और वीडियो काफी लंबा भी हो चुका है, तो इसलिए आप 23 नंबर सवाल को लिखिए, सवाल का उत्तर लिखिए, और फिर हम 24 और 25 क्वेश्चन बनाते हैं और फिर उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो चलिए अब देखिए 24 नंबर सवाल में दो क्वेश्चन है, मतलब 24 नंबर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, एक ए है और दूसरा बी है। तो पहले ए की बात करते हैं, या आईयूपीएससी नेम पूछ रहा है आपसे कि इसका आईयूपीएससी नेम क्या होगा। तो देखिए आईयूपीएससी नेम लिखने का रूल क्या है, सबसे पहले कार्बन के लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चैन का चुनाव किया जाता है, मतलब सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं, कार्बन को चेक कर लेते हैं, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। अगर फंक्शनल ग्रुप रहे तो गिनती उस छोर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिले। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कार्बन के लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चैन का चुनाव करेंगे तो देखेंगे भाई सबसे लंबा चैन कार्बन का कौन है। जैसे साइकिल का चैन होता है एक से एक कड़ी जुड़ा रहता है, उसी तरीके से कार्बन का चैन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कोशिश करेंगे कि आपका सीधा ही हो, यह जरूरी नहीं है कि कार्बन का चैन जो हो सीधा ही हो, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। अब देखिए CH3 CH CH और CH3, इसमें चार कार्बन मौजूद है तो कहेंगे 1 2 3 4। अब देखिए गिनती उस छोर से किया जाता है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को लो अंक मिले या ब्रांचिंग ग्रुप को लो अंक मिले। तो जब गिनती कर रहे हैं तो इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4, या इधर से अगर गिनती करें तो 1 2 3 4, दोनों तरफ से गिनती करके चेक कर लेते हैं ये 4 दोनों का। अब देखो दोनों अगर नंबरिंग सेम है तो लोकेंट का वैल्यू चेक कर लिया जाता है, तो लोकेंट का वैल्यू भी तो सेम आएगा, ये 3+2 और 3+2 5 आ रहा है, इधर से देख रहे हैं तो 2 पहले आ रहा है, इधर से भी देख रहे हैं तो 2 पहले आ रहा है, सारा रूल सही है, ऐसा कंपाउंड है कि सारा रूल एकदम पहले से ही फिट बैठ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आईपीएससी नेम लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, ब्रांचिंग ग्रुप को लिखते हैं, क्लियर,
या सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो दो नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, तीन नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, तो क्या कहेंगे, कहेंगे 2, 3 कितना है भाई, 2 है, तो इसके लिए डाई प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो 2, 3 डाई, CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल, तो डाई मिथाइल। अब इनको और इनको तो लिख लिए, अब इस बॉक्स में का ही बचा है कार्बन का लंबा चैन, तो 2, 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन वाला सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा, और ये अल्केन है तो अल्केन क्या कहलाएगा, ब्यूटेन कहलाएगा, तो क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे, कहेंगे 2, 3 और डाई मिथाइल और उसके बाद ब्यूटेन। क्लियर हो गई। अब देखिए इसका ना दो नंबर क्वेश्चन अभी पूछेगा, तो हम लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन क्या है दो नंबर, कि इथाइन को, क्वेश्चन है कि क्या होता है जब इथाइन को K-4 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत किया जाता है। तो देखिए इथाइन C2H2 होता है, क्या होता है, C2H2, तो C2H2 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर बनाएंगे तो ऐसे होता है, देखिए H C ट्रिपल बॉन्ड और फिर C और फिर H, और ऑक्सीकरण K-4 की उपस्थिति में कह रहा है, KMnO4 की उपस्थिति में, क्षारीय K-4 की उपस्थिति में, इसका ये अल्कली है, अल्कली यानी क्षारीय K-4 की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण हमेशा नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप करा लीजिएगा तो थोड़ा रिएक्शन समझ में आता है, नहीं तो आप डायरेक्ट K-4 भी रख सकते हैं उस पर। क्लियर। तो नवजात ऑक्सीजन यानी नेसेंट ऑक्सीजन रख करके अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये इथाइन, इसको क्या कहते हैं, इथाइन या एसिटिलीन भी कहते हैं, क्या करता है, ऑक्जेलिक एसिड का निर्माण करता है, क्या करता है, ऑक्जेलिक एसिड का निर्माण करता है, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ और फिर सी डबल बॉन्ड ओ और फिर ये ओ एच और ये फिर ओ एच, मतलब ऑक्सीजन एटम कितने हो गए, 2, 2, 4, ये 4 ऑक्सीजन एटम यहां लिखने पड़ेंगे आपको, ये ओ और ये एच। क्लियर। तो क्या कहिएगा, जब इथाइन को अल्कली यानी क्षारीय K-4 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत किया जाता है तो ऑक्सीकृत करने के बाद ऑक्जेलिक एसिड का निर्माण होता है, कौन सा एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, जो क्या बोलते हैं उसको, मूली के साथ आता है जिसका साग बनता है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पालकी, पालक का जो पत्ता होता है उसका, उसमें जो रस पाया जाता है, जो एसिड पाया जाता है वो ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है, और प्याज में भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, तो ये ऑक्जेलिक एसिड हो गए। और क्या बोलेंगे, जब इथाइन को K-4 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत किया जाता है तो ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होता है। ये 24 के 24 क्वेश्चन हो गए, अब बताइए कितना लंबा वीडियो हो गया, तो ऐसा करते हैं आप इसको लिख लीजिए और अब हम लोग यही वीडियो को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो अगर लंबा हो जाए तो फिर आप लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अब आप बताइए कि किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया, और अगर समझ आया तो कितने परसेंट क्वेश्चन आपको समझ आए कमेंट करके जरूर बताइए। इससे हमको थोड़ा सा फायदा ये मिलेगा कि मुझे समझ आएगा कि जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे आपको समझ आ रहा है, और उस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा थोड़ा बढ़ेगा। तो अब कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने बनाए उनको आप कॉपी में नोट जरूर करिएगा, ये हमारी गुजारिश है आपसे, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, इससे मुझे थोड़ी सहानुभूति मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, और भी क्वेश्चन, और भी जितने क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन है उनको मैं बनाने की कोशिश करूंगा। अभी जस्ट स्टार्ट ही हो रहा है, इससे पहले हम आपको पहले ही बता चुके हैं 9, 10, 11, 12, 13 सब के सब क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।